हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करनी है और अगर रियल रूट्स हैं तो उन्हें फाइंड भी करना है। सबसे पहले हम लोग ए बी सी डिफाइन करेंगे। ए है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, बी है कोफिशेंट ऑफ एक्स और सी है कॉन्स्टेंट। अब हम लोग निकालेंगे डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू पुट कर दी 4, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर दी। माइनस 4 का स्क्वायर मतलब दो बार लिख लेंगे माइनस 4 को, और रूट 3 को भी दो बार लिख लेंगे। 4 इंटू 4 16 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है। तो 48 माइनस 48 यानी कि 0 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 बन गई है। जब 0 आ जाए तो मतलब रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो यानी कि आगे सॉल्व करेंगे। जब डी 0 आ जाए तो एक्स की वैल्यूज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, दो बार लिख देंगे। माइनस तो फॉर्मूले का पार्ट है, बी की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 है, तो बी की वैल्यू और ए की वैल्यू 3 है वो पुट कर देंगे दोनों में। 4 रूट 3 अपॉन 6 बन जाएगा, 2 रूट 3 अपॉन 3, ये हमारा आंसर है। क्योंकि पहले ही बोल रखा है कि रूट्स आर इक्वल कैलकुलेशन पर, तो इसीलिए x की दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। थैंक यू।